इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संस्था के प्रचार्य गजेंद्र सर एवं फार्मेन जोशी सर दिवाकर सर एवं इस महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं मेरे मित्र और साथियों आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं और भैया और दीदी लोगों ने बताया कि आज हम भोपाल गैस क्रांति के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों 2 दिसंबर 1984 की वो रात जो भारत के हृदय स्थल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के हृदय भोपाल में यह गैस कांड हुआ। दोस्तों इस गैस क्रांति में कितने लोगों की मृत्यु हुई और क्या हुई इन सभी के बारे में विस्तार में आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले जैसे कि मोनिका दीदी ने बताया कि इस कंपनी यूनियन कार्बाइड की स्थापना 1969 में अमेरिका के द्वारा किया गया जिसके उस कंपनी के जो सीईओ थे वो वारेन एंडरसन। दोस्तों रातों रात वारेन एंडरसन जब गैस रिसाव हुआ तो वारेन एंडरसन अपने देश भाग गए, लेकिन इससे पहले भी सन 1981 में गैस का लीकेज हुआ था। जैसे कि दीदी ने बताया कि बजट के कारण से उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वही वो 1980 में जब गैस का रिसाव हुआ तो कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसमें एक मजदूर की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर 1982 में मीथेन आइसोसाइड गैस की रिसाव हुआ जिसमें 24 मजदूरों की मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुली और फिर भी ना उस कंपनी की सीईओ आंखें नहीं खुली और 24 लोगों की मौत और एक जो 1981 में हुआ था उसको भी ध्यान नहीं दिया गया और इसके कारण से 5 लाख लोग प्रभावित हुए और मुख्य रूप से 55,000 लोग प्रभावित हुए। दोस्तों एक घंटे के अंतर्गत 3,000 लोगों की मृत्यु हो गई और वहां के जो फैक्ट्री के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब मजदूर लोग जो बाहर से आए थे कमाने खाने के लिए वो लोग वही फैक्ट्री में काम करने के लिए वो लोग नींद में थे और रातों रात की नींद में उनकी मृत्यु हो गई। इस गैस क्रांति के लिए सरकार ने क्या कारण है किस लिए हो इसके लिए सीबीआई को भी बैठाया, लेकिन दोस्तों राजनीतिक कारण और पैसे के कारण इस देश की राजनीति और पैसे के कारण उसका भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ और 2002 में जब सरकार ने उनके ऊपर आरोप लगाया और 2-2 साल की सजा सुनाई तो उन लोगों को जमानत पे रिहा कर दिया गया। दोस्तों वारेन एंडरसन को मई 2014 में उसकी मृत्यु हो गई, वो तो चले गए लेकिन आज भी वहां के भोपाल के जो आम लोग हैं वहां के बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं। तो इन सभी का कारण मैं मुख्य रूप से हमारे राजनीति को ही देना चाहूंगा क्योंकि हमारे ऊपर राज हमारे राजनेता करते हैं। संसद में यह बिल पारित करना चाहिए था कि अगर जब तक आप एक नियम बनाते कि इस प्रकार से हमारा इस नियम को आप फॉलो करेंगे आप अच्छे बजट रखेंगे अपने सुरक्षा के लिए अपनी कंपनी के लिए, एक होता है मशीनों के सुधार के लिए एक होता है फैक्ट्री में विभाग उसमें जो कंपनी को लाभ होता है उस पैसे को उस कोष में डाला जाता है। तो इस प्रकार से एक नियम बनाया जाए भारतीय राजनीति भारतीय लोकसभा के द्वारा जिससे तभी वो फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस दिया जाए तब इस प्रकार की जो गैस क्रांति हम रोक सकते हैं, नहीं तो दोस्तों ऐसे हम रोक नहीं पाएंगे और लाखों लोग फिर से मरते जाएंगे। इन सबके सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारी राजनीति को मैं देना चाहूंगा क्योंकि जिसको यह लाइसेंस दिया गया फैक्ट्री खोलने के भले बात की उसको बंद कर दिया गया और लोगों को दिखाने के लिए इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया लेकिन ये सही नहीं है, वो तो बस खानापूर्ति करते रहे। अगर इस प्रकार की राजनीति को रोकना है तो एक नियम बनाना पड़ेगा और उस नियम को जो कंपनी फॉलो करेगा उसको ही कंपनी खोलने का आदेश दिया जाए नहीं तो उस कंपनी को सील कर दिया जाए और जब तक वो फॉलो नहीं करे तब तक उसको नहीं छोड़ना चाहिए और तभी हमारे देश की जनता सुरक्षित रहेंगे। तो इतना कहकर मैं अपने भाई को विराम देना चाहूंगा। Thank you.